सर्दियां आते ही मार्केट में हरी हरी मटर पालक आने लगती है, जो प्रोटीन, आयरन, फाइबर और भी ढेरों विटामिन से लोडेड। ये मटर और पालक को आज हम इस तरह से बनाएंगे कि बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे बेहतरीन स्टार्टर, सुपर क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला हरा भरा कबाब। हे एवरीवन, मैं पूनम, वेलकम टू रसोई बिहार की। तो आइए मेरे रसोई में आज हम बनाते हैं हरा भरा कबाब, जिसे कि बनाना बहुत ही ईजी है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी, सुपर क्रिस्पी, और बच्चे तो ऐसे मांग कर खाएंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे। तो फिर चलते हैं। तो हमने यहाँ पे मटर लिया है 3/4 कप, और इसे हम 5 मिनट तक ऐसे ही बॉईल कर लेंगे। फिर हम एक बंच यहाँ पालक लिए हैं, फिर पालक को उसी पानी में डाल देंगे, तो मटर और पालक हमारा एक साथ रेडी हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट पहले मटर डालिएगा, क्योंकि मटर थोड़ा ज़्यादा सख्त होता है और पालक तो बिल्कुल तुरंत ही। बस पालक डालने के बाद 2 मिनट ढककर हम पकाएंगे और फिर फटाफट इसे ठंडे पानी में डाल देंगे और फ्लेम बंद करके, क्योंकि हमारा मटर भी पक चुका है। और ठंडे पानी में डालने से पालक का कलर जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो फिर हम इसे इसी तरह से हाथों से दबाते हुए एक मिक्सर जार में इसे इन सब को ग्राइंड कर लेंगे, पालक और मटर को। तो मैं डालूँगी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल, उसमें थोड़ी सी जीरा और फिर अदरक, लहसुन और मिर्च। हमने 5 से 6 कली लहसुन, 1/2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च को कूट ली थी। आप कूट कर ही डालिएगा, पेस्ट नहीं डालिएगा। फिर एक बड़ा अनियन चॉप कर, फिर मैंने डाली 3 टेबल स्पून फ्रेंच बीन्स, फिर 3 टेबल स्पून गोभी घसकर, 3 टेबल स्पून गाजर घसकर, इन सभी को घसकर डालेंगे। और फिर जो हमने मटर और पालक को पीस कर रखा था उसे डाल देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक्चुअली इसका मॉइस्चर हमें ख़त्म करना है, जो भी पालक और मटर का था, इसको अच्छे से थोड़ा सुखा लेना है। और फिर मैं इसमें बड़ा 1 कटोरी आलू ली हूँ और 3/4 कप पनीर। अब पनीर ऑप्शनल है, आप डाल लें या फिर नहीं भी डालें। फिर हम इसमें कुछ डालेंगे सूखा स्पाइस मसाले, तो 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 से थोड़ा कम जीरा पाउडर। और फिर डालेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून और धनिया का पत्ता और थोड़ी सी पुदीने के पत्ते, फिर 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टेबल स्पून बेसन और 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। आप क्वांटिटी ब्रेड क्रम्स का थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं अगर आपका डो सख्त नहीं होता है तो। और 1 टेबल स्पून ली हूँ कॉर्नफ्लावर, और फिर नमक स्वाद अनुसार। और ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। ये चीज़ स्लाइस है और इसे आप ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी क्रीमी फ्लेवर आता है। और फिर हम करेंगे सभी को मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर इस तरह से एक शेप दे दूंगी। और फिर मैं करूंगी हरा भरा से कबाब का सिग्नेचर सिंबल, जो कि है ये काजू। आप इस तरह से काजू चिपकाना, ये हरा भरा कबाब का सिग्नेचर सिंबल है। आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो इससे पता चल जाएगा। तो हम भी इसे इसी तरह से गार्निश करेंगे, सारी टिक्कियों को इसी तरह से बनाकर। और फिर हम करेंगे इसे डीप फ्राई,
पहले तो आप हाई फ्लेम पे तेल को गरम कर ले, फिर मीडियम फ्लेम पे करके हम सारे कबाब को इसी तरह डाल देंगे, फिर अलटते पलटते और फिर इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो आप अच्छे से इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, बहुत हाई भी नहीं करना है, नहीं तो ये फिर क्रिस्पी नहीं होगा और बहुत लो भी नहीं रखना है, नहीं तो सारा ऑयल ये फिर खींचने लगेगा, फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे और ये देखिए मेरा हरा भरा कबाब बनकर रेडी लग रहा है ना, बिल्कुल टेम्पटिंग और रेस्टोरेंट के जैसा लग नहीं रहा है कि हाँ मैंने इसे घर पे बनाया है। कितना सुंदर और बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी बना है। तो हम करते हैं इसका प्लेटिंग। तो इस तरह से मैंने कबाब को प्लेट में लगा ली हूँ और फिर मैं सर्व करूँगी इसे हरी धनिए की चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ। आपका जिसके साथ दिल करे आप इसको सर्व करिए। ये देखिए कितना बढ़िया बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारा हरा भरा कबाब रेडी है। इसे हरियाली भी कबाब कहते हैं। तो फिर इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को इसी तरह लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर ज़रूर कीजिए। और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा।